गाड़ी किसकी है? और चलो अभी और का कौन है और को आज इसको कोई नहीं मानता इसको ड्रग वाले को, ये ट्रेवल के तो 6 महीने की सस्पेंड है, एक्स्ट्रा भी लागू भी नहीं हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन को आपको परमिशन नहीं दे रहा है। यहाँ रखते हैं बकरे पे, बकरे बंद नहीं होते इसमें, बकरे होते तो बकरे नहीं आते। ये खा ला, ठीक है, ये कटे हुए खा लो। जल्दी करवा भाई।
रात लगा दे बाकी लोग चलिए चलो उठा उठा जो रहा है ऐसे कर्म जला दे ना निकाल लो बेटा निकाल लो पढ़ ले भाई वोटर का भी ये मुर्गे भी देख ले राजा भीतर भी दुकान है राजन साहब आज जो सीलिंग की कार्रवाई की है अवैध भूषण थानों के क्या है सारा मामला माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2012 में एक पिटीशन पे आदेश दिया था कि स्टेट कमेटी को स्लॉट हाउस बने और जो जहाँ पे 10 से ज़्यादा पशु पक्षी वो भी कटते हैं वो इलीगल बगैर लाइसेंस के और पूरे फरीदाबाद शहर में कम से कम 2,500 दुकानें हैं जो इलीगल तौर पर चल रही हैं तो न्यायालय के आदेश पर हम लोगों ने कार्रवाई की है और माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी आज एक ड्यूटी में शेड लगाए थे डीटीपी साहब उनकी प्रेजेंस में सारी कार्रवाई हुई है और ये कई दिनों से हमें शिकायत मिल रही थी उस पर आज हमने मुकदमा दर्ज कराया सेकंड ऑफेंस में एफआईआर दर्ज हुई है इन लोगों के खिलाफ कितने लोगों के खिलाफ सीलिंग हुई है कितने दुकानों को सील किया अभी लिस्ट तो ये दे देगा जो ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम का उनके पास पूरी डिटेल है पूरी लिस्ट करीब करीब कितना है आप जो इन्होंने लिस्ट दी थी उसमें किसी में 22 हैं और बल्लभगढ़ में 100 के आसपास लिस्ट है हमारे पास क्या ये सीलिंग की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी या बिल्कुल जारी रहेगी भाई इतने ये डिप्टी कमिश्नर साहब का आशीर्वाद रहेगा तो बढ़िया हम कार्रवाई करेंगे ये इलीगल किस तरह से हैं क्या है सारा मामला भारत सरकार ने 2001 में वधशाला नियम बनाए थे उसके तहत कोई भी जानवर ऐसी जगह पर नहीं कटेगा जो ऑथराइज ना हो तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा और कायदे कानून का पालन करना पड़ेगा तो ये कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे इन्होंने खुद अपना कायदा बना रखा अभी वो चाइल्ड लेबर भी है ये बच्चों से काम करवाते हैं 14 साल से नीचे के बच्चे मेरे को मिले हैं यहाँ पे और ये जो बाईपास पे जितने चल रहे हैं सारे अवैध निर्माण भी हैं तो इसमें वो डीटीपी साहब से फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे अवैध निर्माण को तोड़ फोड़ेंगे कर भी होंगे थैंक यू
डॉक्टर साहब, आज जो सीलिंग की कार्रवाई हुई है बाईपास पे मीट मार्केट में, क्या है सारा मामला? ये सारा मामला जी नगर निगम की मिली कगत से, ये जो मीट मार्केट का काम चल रहा था, पहले नोटिस किस दिनों से कराई थी और कोर्ट के आदेश से, डीसी के आदेश से कार्रवाई की गई है जो मीट मार्केट बंद कराई गई। कितनी दुकानों को सील किया गया है, क्या आगे भी दुकानों की सीलिंग होती रहेगी? ये आज लगभग 20 दुकानों को सीलिंग की गई है और इससे आगे भी स्वच्छ हरियाणा और भारत बनाए रखने के लिए आगे भी सीलिंग की कार्रवाई चलती रहेगी।